हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। हम यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। और दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है, यह एक अपडेट है ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली से, जैसा कि आपको थंबनेल में देखकर पता लग गया होगा। तो दोस्तों देखिए, आज की जो हिंदुस्तान में खबर आई है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी तरह के स्नातक वीडियो के लिए पात्र होंगे। मतलब आप जो लोगों को पता होगा कि जो ग्राम विकास अधिकारी में था, इससे पहले केवल कौन कृषि विज्ञान या वाणिज्य से स्नातक ही आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब सभी विषयों से स्नातकों को आवेदन की छूट दे दी है। यानी जो भी आप ग्रेजुएट हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, अब आप उत्तराखंड सरकार में ग्राम विकास अधिकारी बन सकते हैं। और जो इसका पेपर होगा, शायद इसका पेपर बहुत जल्दी हो जाए, तो इसका जो घोषणा है, यह कैबिनेट की बैठक में इसका निर्णय ले लिया गया। और इससे पहले जो इसकी एज लिमिट थी, वह एज लिमिट थी कितनी, 18 वर्ष से लेके 35 वर्ष थी। अब इस एज लिमिट को बढ़ा के भी 21 साल से लेके 42 साल करने की अनुमति दे दी गई है। तो दोस्तों देखिए, यह एक बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो ग्राम विकास अधिकारी पेपर की तैयारी कर रहे थे या उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। यह आप लोगों के लिए, हम सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तो आज का यह अपडेट वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आप एक बार फिर से जोश के साथ अपने सपने में जुट जाएंगे सरकारी नौकरी के लिए। तो चलिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।